नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संपदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौरपदं महांतं गोविंद योगींद्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं संचोटकं बालत्रिककारं अन्यान् अस्मद्गुरून् संततम् आनतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः अशुभानि निराजष्टे तनोति शुभसंततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन्मंगलं परं अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंशयात् स्मृतीनां वर्धत्वाच्च ब्रह्मतन्मंगलं विदुः ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वयेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ ओं तत्सत् परब्रह्मणे नमः श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव असुरन शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेय सैनिश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि मां त्वां प्रपन्नम् हे भगवान अज्ञानता के कारण अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है, उस धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता
मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा, अर्थात आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति, नित्य सुख शांति की प्राप्ति, मृत्यु की निवृत्ति और अमृतत्व की प्राप्ति, अज्ञान की निवृत्ति, अनंत अखंड ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ। आप सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, ईश्वर हैं, आप जानते हैं, इसलिए मेरे परम कल्याण का उपाय आप बतावन, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो, जैसा तुम चाहते हो ऐसा मेरा ही स्वरूप है, मुझे जान करके ही जीव सदा के लिए मृत्यु से मुक्त हो जाता है, उसको मृत्यु नहीं आती और फिर कभी अज्ञानता नहीं आती है और फिर उसको किसी प्रकार का दुख कभी किसी काल में नहीं आता है, ऐसा सच्चिदानंद स्वरूप मेरा है। तो मेरा ही श्रवण करो, मेरा ही मनन करो, मेरा ही निधिध्यासन करो, इस प्रकार से ज्ञान पक्का हो जाएगा तो तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। श्रवणं तु गुरोः पूर्वम्, गुरु से मुझे ही सुनो, मेरे सच्चिदानंद स्वरूप का क्या स्वरूप है इसको गुरु के द्वारा सुनो, फिर मनन करो, माने बारंबार आवृत्ति करो, बारंबार दोहराओ, अभ्यास करो और फिर निधि ध्यासन करो। श्रवण मनन से जब पक्का हो जाए तो तैल धारावत उसी का ही चिंतन करो, इसको निधि ध्यासन कहते हैं। तो श्रवणं तु गुरोः पूर्वम्, मननम तदनंतरम, निधिध्यासन मित्तेतत् पूर्ण बोधस्य लक्षणम्। अर्जुन, यही पूर्ण बोध का लक्षण है। शतेन ज्ञानम आयाति, सहस्रेण च तिष्ठति, लक्ष्यवारं जपेत्यस्तु प्रेत्य चेह चतिष्ठति। हे अर्जुन, गुरु से पहले सुने, फिर मनन करे, फिर निधि ध्यासन करे, तो सुने हुए को यदि 100 बार मनन कर जाए, भूलने न पावे जैसा का तैसा ही, तो ज्ञान आ जाता है। सहस्रेण चतिष्ठति, सहस्र नाम हजार का है, 1000 बार यदि मनन करे, आवृत्ति करे, तो तिष्ठति, तो फिर ज्ञान ठहर जाता है, भूलेगा नहीं। लक्ष्यवारं जपेत्यस्तु प्रेत्यचे चतिष्ठति, यदि लाख बार मनन कर जाए तो इस जीवन में तो भूलेगा ही नहीं, किंतु किसी प्रतिबंधवश यदि दूसरा जन्म हो भी गया तो पूर्व जन्म का याद किया हुआ, मनन किया हुआ ज्ञान दूसरे जन्म में भी नहीं भूलेगा।
इसलिए हे अर्जुन श्रवण मनन निधि ध्यान से ज्ञान पक्का हो जाता है, वो कभी भूलता नहीं है। इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरियुध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर्मामे वैशेष्य संशयम्। अर्जुन इसलिए सर्व काल में मेरा ही स्मरण कर, निरंतर मेरा स्मरण कर, मुझे न भूल। और युद्ध च और युद्ध भी कर, देह इंद्रिय मन बुद्धि से युद्ध कर, अपने को मुझ सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म रूप जानकर, देह इंद्रिय मन बुद्धि से अपने को अलग जान, दृष्टा साक्षी जान, और देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण ये सब दृश्य जान, और दृष्टा और दृश्य दोनों अलग अलग है। जो जो दृष्टा साक्षी है वो मेरा स्वरूप ब्रह्म ही है, और जो दृश्य है वो मेरी माया है। तो मुझे ब्रह्म और मेरी माया का कभी भी संबंध नहीं होता अर्जुन, दोनों अलग अलग तत्व है। इसलिए अपने आप को तो मुझे ब्रह्म रूप जान, शेष ये दृश्य है जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति के रूप में, स्थूल सूक्ष्म कारण इन तीन शरीरों के रूप में, और अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय ये पंच कोशों के रूप में, इतनी ये मेरी माया जान। और इस माया को देखने वाला मुझ पर ब्रह्म परमात्मा को ही जान। इसलिए हे अर्जुन दृष्टा मैं हूँ और दृश्य मेरी माया है। इन दोनों के अंतर्गत ही सब जीवों का स्वरूप आ जाता है। तो जीव तो दृष्टा है, अपने दृष्टापने में किसी भी जीव को संशय नहीं है। सब जीव जानते हैं कि मैं देखता हूँ, मैं नहीं देखता, ऐसा संशय नहीं है किसी को। तो ये दृष्टा जो है जीव, ये मेरा ही स्वरूप, और सब शरीरों में एक रूप है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर् ज्ञानम यत्तज् ज्ञानम मतम ममो। अर्जुन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये दो ही पदार्थ हैं, तीसरा कुछ नहीं है। सभी क्षेत्रों में क्षेत्र नाम इन्हीं माया का है, प्रकृति का है, इन शरीरों का है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीनों अवस्थाओं का है। ये सब क्षेत्र है और मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ। तो ये क्षेत्र तो मेरी माया है, प्रकृति है, और मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। हे अर्जुन तीसरा तो कोई है नहीं। तो हमारा तुम्हारा तो स्वरूप क्षेत्रज्ञ दृष्टा ही है, इसलिए हमारा तुम्हारा स्वरूप ब्रह्म है। तो हमारे शरीर में अंतःकरण में जो अहम 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 इस प्रकार से स्फुरित हो रहा है, भगवान कृष्ण कहते हैं ये मैं ही हूं, क्योंकि अहम तत्व ही दृष्टा है। तो मैं ही दृष्टा हूं, इसलिए अहम को दृष्टा ब्रह्म कहते हैं। वेद का महावाक्य कहता है अहम नामक जो तत्व है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं सब शरीरों में एक है, दो नहीं। शरीर अनेक है सो मेरी माया से बने, अब मैं दृष्टा एक हूं।
इसलिए सभी स्त्री पुरुष मनुष्य हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब अपने आप को मैं ही कहते हैं और यही कहते हैं मैं देखता हूँ, इसलिए मैं दो नहीं किंतु एक है, सब शरीरों में व्यापक है और देखता है। ये स्वभाव से ही सच्चिदानंद रूप है और ये मेरी जो माया है ये स्वभाव से ही असत जल दुख रूप है। अर्जुन इतना जानना ही संपूर्ण ज्ञान है क्योंकि और कुछ है नहीं। कितने ही वर्षों तक विचार करो, वेद शास्त्र पुराण रामायण गीता भागवत पढ़ो, परंतु अर्जुन ये दृष्टा और दृश्य प्रकृति और पुरुष को छोड़कर तीसरा कुछ मिलेगा ही नहीं कितना भी विचार करो। अर्जुन एतज ज्ञानम मतम मम, इतना ही ज्ञान है ये मेरा मत है, मन मेरा निश्चय। तो जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान का निर्णय है निश्चय है वही यथार्थ है, उसमें संशय नहीं करना चाहिए। इसलिए सभी लोग एक स्वर से यही कहते हैं, हजारों लाखों सब लोग, अहम पश्यामि, मैं देखता हूँ। इसमें सारे संसार का एक ही मत है, इसमें अलग अलग मत नहीं है, सर्व का एक मत है। क्योंकि कोई अपने आप को ये कहेगा ही नहीं कि मैं नहीं देखता हूं, सब अपने को देखने वाला दृष्टा ही बताएंगे। इसलिए ये मैं नामक तत्व ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान में ही दृष्टापना होता है, अज्ञान में तो दृष्टापना होता नहीं है। इसलिए हे अर्जुन अपने सच्चिदानंद स्वरूप का ही निरंतर स्मरण कर, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरियुध्यच। सर्व काल में मुझ सच्चिदानंद ब्रह्म आत्मा का ही स्मरण कर और मेरी माया में ही सब कर्म है, मन शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण ये सब मेरी माया है, इसी में कर्म है। तो देह इंद्रिय मन बुद्धि से कर्मों को कर, क्योंकि इनमें तो कर्म रहेंगे ही क्योंकि ये प्रकृति का स्वभाव है, दृष्टा का स्वभाव है अकर्म और प्रकृति का स्वभाव है कर्म। तो जिसका जो स्वभाव है उसमें तो रहेगा ही, मुझ दृष्टा में कभी कर्म नहीं है, मैं देखता मात्र, और प्रकृति का भी अकर्म नहीं है क्योंकि प्रकृति तो देखती ही नहीं है, वो जड़ है, उसमें तो कर्म ही है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अर्जुन संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जा रहे हैं। अहंकार विमूल आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, जो अहंकार से विशेष रूप से मूल हो रहा है, अज्ञानी हो रहा है, वो अपने आप को कर्ता मानता है, अपने आप को वो शरीर मान बैठता है, शरीर में कर्म है तो शरीर के कर्म को अपने कर्म कोई मान लेता है। अर्जुन यही अज्ञान है और जो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को प्रकृति
और अपने आप को दृष्टा साक्षी मात्र मानता है वो अर्जुन ज्ञानी है। ये तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा है और यही बात 13वें अध्याय में दृढ़ता पूर्वक निश्चय पूर्वक कहा है। प्रकृतिव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं सपश्यति। हे अर्जुन, प्रकृत्या एव एव शब्द जोड़ करके निश्चय वाचक है ये एव शब्द। प्रकृति में ही अर्जुन कर्म है, जितने भी किए जाने वाले कर्म हैं वो सब प्रकृति में ही हैं। प्रकृते च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं सपश्यति। इस प्रकार से जो पुरुष संपूर्ण कर्म प्रकृति में ही देखता है, आत्मानं अकर्तारं पश्यति, और अपने आप को अकर्ता रूप देखता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, दृष्टा साक्षी मात्र, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। अर्जुन वो यथार्थ ज्ञानी है। अर्जुन ये बस प्रकृति पुरुष का विवेक ही वास्तविक ज्ञान है। अब जो दोनों को एक में मिला देता है, अपने को प्रकृति में मिला देता है, अपने को देह इंद्रिय मन बुद्धि मान लेता है, अर्जुन वो अज्ञानी है। वही अपने को कर्ता मानेगा। तो भगवान तो केवल प्रकृति पुरुष का विवेक ही बताते हैं अलगाव, क्योंकि जीव ने अपने आप को देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण स्त्री पुरुष मनुष्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यही मान बैठा है। अब अपने सचित आनंद स्वरूप को बिल्कुल भूल ही गया है। तो भगवान तो ये मिले हुए का विवेक ही करते हैं, विचित्र पृथक भावे दोनों को पृथक पृथक करके समझाते हैं कि अर्जुन ये देह इंद्रिय मन बुद्धि प्रकृति का कार्य होने से प्रकृति है, और दृष्टा जो है इसमें चेतन पुरुष वह ब्रह्म है। तो दोनों को केवल अलग अलग ही भगवान बता देते हैं। दृष्टा दृश्य मिलते ही नहीं, प्रकृति पुरुष मिलते ही नहीं। लोग कहते हैं जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई। भला जड़ और चेतन जब मिलते ही नहीं है तो ग्रंथि कैसे पड़ेगी? अज्ञानता की ही ये ग्रंथि है जो अपने चेतन स्वरूप को इस जड़ शरीर में मिला देना कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं कर्ता भोक्ता हूँ। अब भगवान तो विवेक कर देते हैं, अलग अलग थे ही अलग अलग बता देते हैं। तो विवेक ही मुख्य है। जितने भी कर्म हैं वो सब प्रकृति में हैं, दृष्टा में तो कर्म है ही नहीं। इसलिए भगवान ने ये कहा है कि सर्व काल में तू अर्जुन मेरा ही स्मरण कर, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। सर्व काल में मेरा ही स्मरण कर, मैंने अपने आप को सच्चित आनंद स्वरूप जान, क्योंकि मैं ही तो जीवात्मा हूं। बाकी तो सब मेरी माया ही है, मेरी माया में ही कर्म है। दोनों विभाग अलग अलग है। शरीर इंद्रिय मन बुद्धि जब तक है इनमें कर्म रहेगा ही रहेगा। और दृष्टा साक्षी जो अपना स्वरूप है इसमें कभी कर्म रहेगा ही नहीं।
न ये ज्ञान प्रकृति का कर्मों का विरोधी है, क्योंकि ज्ञान तो केवल देखता मात्र है। प्रकृति के कर्मों को कोई रोकता तो है नहीं, और प्रकृति में कर्म ही है, इसलिए वो ज्ञान का बाधक नहीं है प्रकृति, क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। अर्जुन इतना ही ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्जुन पर और अवर ये प्रकृति और प्रकृति का कार्य ये अवर है, माने तुच्छ है, अल्प है, और जो प्रकृति और पुरुष के ऊपर है, जो प्रकृति से ऊपर वो पुरुष है, प्रकृति परा पुरुषा साकाष्ठा सा परागति, वो पुरुष है। पुरुष नाम ब्रह्म का है। पुरुष इसलिए कहते हैं पूर्णत्वाद पुरुषा पुरुषायनत्वाद वा सत्य ज्ञान आनंद से ब्रह्म पूर्ण है, इसलिए उसको पुरुष कहते हैं। पुरुषायनत्वाद वा अथवा जागृत स्वप्न सुसुप्ति अथवा स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर ये सब पूर्ण हैं, इन सबके भीतर जो व्यापक है और सबको देखता है वो पुरुष है। दोनों भिन्न भिन्न है। अर्जुन जो इतना जान लेता है उसकी हृदय की जो ग्रंथि है, मैंने जड़ चेतन मिल गए हैं, ऐसा जो भ्रम हुआ है ये ग्रंथि छूट जाती है, टूट जाती है, क्योंकि ग्रंथि पड़ी ही नहीं, खाली जानना ही था, मिले है ही नहीं, मिले तो ग्रंथि पड़े। तो भिद्यते हृदय ग्रंथि, उसकी हृदय की ग्रंथि जड़ चेतन की ग्रंथि का भेदन हो जाता है। छिद्यन्ते सर्व संशया, अर्जुन उसके सारे संशय दूर हो जाते। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, अर्जुन अनंतानंत जन्मों के जो कर्म हैं पूर्ण पाप रूपी सब क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, क्योंकि वो जान लेता है पुरुष में कर्म है ही नहीं, सारे कर्म प्रकृति में, वो चेतन में कर्म ही नहीं। तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परब्रह्म और अवर ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति रूपी कार्य प्रकृति अध्यास भ्रम जब चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन ही। तुलसीदास जी महाराज अपने रामायण में लिखते हैं जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन। जड़ चेतन की ग्रंथि पर गई है यद्यपि मिथ्या है, मन शरीर और शरीर का दृष्टा आत्मा जो शरीर में रहता है ये दोनों मिल गए, इसको ग्रंथि कहते हैं। अर्जुन ये जो मिथ्या है छूटत कठिनाई, अब ये अनंत जन्मों का अनेक जन्मों का ऐसा अभ्यास है कि मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूं, अपने आप को शरीर ही माने बैठा है। बहु जन्म दृढ़ अभ्यास देहादिषु आत्मधि भवे, बहुत जन्मों के दृढ़ अभ्यास से
ये देहाधिकों में आत्मबुद्धि हो जाए कि ये देह मैं हूं और संसार असत है, उसमें सतबुद्धि हो गई है, सुख बुद्धि हो गई है। इसलिए ये भ्रम अनेक जन्मों का है, ये मिथ्या है भ्रम। गुरु की कृपा से ये भ्रम मिट जाता है। भगवान कृष्ण तो गुरु नाम अपि गुरु, गुरुओं के भी गुरु हैं, जगत गुरु हैं, क्योंकि सर्वज्ञ ईश्वर हैं। सर्वज्ञ ईश्वर की कृपा से ही जिनको ये ज्ञान हो जाता है वो भी गुरु पद भी पाते हैं। तो अर्जुन गुरु की कृपा से इनका ये भ्रम मिट जाता है जिनका, बस भ्रम का मिटना ही ग्रंथि का खुलना है। जासु कृपा सु भ्रम मिट जाई, गिरजा सुई कृपा रघु राई। हे गिरजा, शंकर जी कहते हैं ये भ्रम जिसका मिट जाए कि जड़ चेतन एक हो गए हैं, वही कृपालु रघुनाथ जी हैं, वही राम जी हैं, वही ब्रह्म तत्व है। राम ही को ब्रह्म कहते हैं। जैसे कोई भ्रम बस या नशा आदि पान कर करके अपने शरीर को मैं मान ले, अथवा कार का सवार अपने को कार मान बैठे, तो ये भ्रम ही होगा। क्योंकि कार जो है वो जड़ है, सवार कार के भीतर बैठा है वो चेतन है, वो देखता है। कार नहीं देखती क्योंकि वो जड़ है, और जो बैठा है सवार वो चेतन है। और सवार केवल बैठा है, चलता नहीं, चलना रूपी कर्म भी नहीं है उसमें, चलती भी कार ही है। और चलाने वाला ड्राइवर है, सवार ड्राइवर से भी भिन्न है। तो कार से भी भिन्न है, केवल बैठा है, न स्वयं चलता है न चलाता है। ड्राइवर चलाता है, कार चलती है, आप तो केवल बैठा हुआ खिड़कियों से इधर देखता रहता है खाली। यही प्रकार से मंत्र है उपनिषद का, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियाणि हयान आहुर विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणा। ये मंत्र है। आत्मानम रथिनम विद्धि, अर्जुन आत्मा तो रथी है, माने रथ में बैठने वाला, माने ये शरीर रथ है। उस आत्मा का आत्मा रथी है, माने बैठने वाला है, शरीर रथ। तो आत्मानम रथिनम विद्धि और शरीरम रथम एव च और बुद्धिं तु सारथिं विद्धि, और ये शरीर में जो बुद्धि है वो सारथी है। मनः प्रग्रहमेव च, और जो मन है वो लगाम है। इंद्रियाणि हयान आहु,
और जो इंद्रियां हैं वो है नाम घोड़ों का है। और विषयांश तेस गोचरान, यहाँ ये रथ चलता है और ये इंद्रिय रूपी घोड़े चलाते हैं, वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच विषय रूपी संसार, ये रथ यहाँ चल रहा है, इंद्रियां दौड़ा रहे हैं घोड़ा। तो हे अर्जुन, जैसे मार्ग से घोड़ों से लगाम से और सारथी से जो रथी है वो भिन्न ही हुआ करता है, वो इनमें कभी नहीं मिलता है, इसी प्रकार से ये आत्मा रथी, ये देह रूपी रथ से, बुद्धि रूपी सारथी से, मन रूपी लगाम से और बुद्धि रूपी घोड़ों से और बुद्धि रूपी नहीं इंद्रिय रूपी घोड़ों से और ये विषय संसार रूपी मार्ग से आत्मा भिन्न ही है, ये सबके सब जड़ हैं और आत्मा चेतन है, इसलिए कभी नहीं मिलता है। फिर भी भ्रम बसात अपने आप को कोई रथ ही मान लेवे अथवा कार का सवार अपने को कार ही मान लेवे तो सब लोग यही कहते हैं कि भाई या तो इसने नशा पी लिया है या तो बिल्कुल अब कितना मूर्ख होगा जो अपने को शरीर मान लेवे, रथ मान लेवे, कार मान लेवे, क्योंकि ऐसा देखने भी नहीं आता, कोई नहीं मानते हैं कि मैं कार हूं। और यदि माने तो सबसे ज्यादा उसको मूर्ख कहा जाएगा, सबसे ज्यादा अज्ञानी कहा जाएगा। इसी प्रकार से मोह अज्ञान निद्रा में जो अत्यंत बेहोश हैं, मोह रूपी मदिरा पी करके मतवाले हो रहे हैं, उनको कुछ विवेक विज्ञान सब खो जाता है, उनका पीत्वा मोह मयीम प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतो जगत। अर्जुन, मोह रूपी मदिरा को पी करके ये अज्ञानी जीव उन्मत्त हो गए, अपने को देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण मान बैठे, अपने को स्त्री पुरुष मान बैठे, शरीर के बल को, इंद्रियों के बल को, मनोबल को, बुद्धि बल को अपना बल का अभिमान करते कि मैं बलवान हूं बुद्धिमान हूं, ऐसा अभिमान करते। तो ये अर्जुन, ये सब के सब अज्ञानी है, गुरु के बिना ये जड़ चेतन की ग्रंथि का भेदन नहीं होता। तो प्रायः इस मोह रूपी मदिरा को पी करके मतवाले होकर अपने को देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण ही मानने वाले ज्यादा देखने में आते हैं। भगवान की कृपा से, गुरुओं की कृपा से, संतों की कृपा से जिसको विवेक विज्ञान हुआ है वही इन शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों से अपने को अलगा करके जानते हैं, वो तो नित्य मुक्त है। तो केवल बंधन भ्रम रूप ही है, सत्य नहीं है, इसीलिए ज्ञान से निवृत्ति हो जाती है इस भ्रम की। यदि भ्रम सत्य होता तो सत्य की कभी निवृत्ति ही नहीं होती और जीव कभी मुक्त ही नहीं होता, क्योंकि भ्रम सत्य है तो निवृत्त कहाँ होगा। इसलिए जगत भ्रम, संसार भ्रम, शरीर भ्रम, अपने आप को शरीर मानना, अर्जुन ये भ्रम है, अपने को दृष्टा साक्षी मान और यही हमेशा अभ्यास कर। अभ्यास योग युक्ते न चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्
इस प्रकार से हे अर्जुन, निरंतर अभ्यास योग से मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ, देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण मैं नहीं हूँ, ये माया का कार्य है, ये भ्रम रूप है, दृश्य जो मैं देख रहा हूँ, मैं ही दृष्टा एक सत्य हूँ, यही अभ्यास, ये अभ्यास योग है। चेतसा नान्यगामिन, और चित्त से संसार की तरफ गमन न करने वाला, चित्त को अपने सचित आनंद स्वरूप आत्मा से चलायमान न करने वाला, ऐसा जो पुरुष है वो दिव्य सनातन सच्चिदानंद ब्रह्म को ही प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। कैसा स्वरूप है वो सच्चिदानंद ब्रह्म का? कविम पुराणम अनुशासितानम अणोरणीयानुसमनुस्मरे दिया सर्वसिद्धाता रमचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसह परस्तात। अर्जुन, उस दिव्य स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म का क्या है? कभी वो सर्वज्ञ है, तीनों काल को जानता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुनो भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चनो। अर्जुन, मैं सभी भूत प्राणियों को जानता हूँ, जो पहले हो गए हैं भूतकाल में और जो भविष्य काल में आगे होंगे और जो वर्तमान में है, उनको सबको मैं जानता हूँ, तो मुझको कोई नहीं जानता है, क्योंकि मैं ही एकमात्र चेतन हूँ और बाकी सब प्रकृति है, माया है, भ्रम है, सो जड़ रूप है, इसको तो ज्ञान नहीं है, कैसे जानेगा? तो कवि का अर्थ होता है सर्वज्ञ, कवयः क्रांतिदर्शिनः। पुराण का अर्थ होता है सनातन, सदा सदा से है ये आत्मा। ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि तो बनते बिगड़ते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, पर दृष्टा आत्मा तो सदा एक रस ही रहता है। अपने अभाव का आज तक किसी जीव ने अनुभव नहीं किया कि मैं किसी काल में नहीं हूँ और देखता नहीं हूँ, किंतु अहम अस्मि अब हम पश्यामि, यही दृढ़ निश्चय है सबका कि मैं सर्व काल में हूँ और सब कालों को मैं देखता हूँ, प्रातः काल, मध्यान्ह काल, सायंकाल, रात्रि काल, दिवस काल, जागृत काल, स्वप्न काल, सुसुप्ति काल, सर्व काल में मैं हूँ, सब कालों को मैं देखता भी हूँ, परंतु ये काल तो सदा नहीं रहते हैं, प्रातः काल, मध्यान्ह काल में नहीं रहता, मध्यान्ह काल, सायंकाल में नहीं रहता, सायंकाल, रात्रि काल में नहीं रहता, रात्रि काल, दिवस काल में नहीं रहता है, जागृत काल, स्वप्न में नहीं रहता, स्वप्न काल, सुसुप्ति में नहीं रहता है, सुसुप्ति काल, समाधि में नहीं रहता, समाधि स्वरूप अपना ही है दृष्टा चौथा, जो तीनों को देखता है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति को, वो चौथा समरस है तीनों अवस्थाओं में और तीनों अवस्थाओं से परे भी। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मण तेष्ठा। निर्विकार, निर्दोष होने के कारण ब्रह्म सम है, ब्रह्म ही आत्मा है, इसलिए आत्मा सम है, बराबर एक रस रहता है, ना निर्विकार न घटता है न बढ़ता है, और यही चेतन आत्मा सर्व का शासक है। चेतन आत्मा के रहने से ही ये जड़ प्रकृति अपना अपना काम कर रही है, देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण सब अपने अपने काम में लगे हुए, आत्मा कुछ नहीं करता,
पर सत्ता स्फूर्ति देता है। अनुशासितार अणुरणीयान, अणु से भी अणु है, आकाश से भी सूक्ष्म है, और महतो महियान, महान से महान भी है, आकाश से बड़ा भी है। समनुस्मरेद्या, जो कोई इसका स्मरण करता है, कविम पुराणम अनुशासितारम अणुरणीयान समनुस्मरेद्या, सर्वस्य धातारम, और सबका धारण करने वाला है, अधिष्ठान है ना, इस आत्मा में ही जगत की उत्पत्ति प्रलय भ्रम रूप होती है। सचमुच में तो होती नहीं है उत्पत्ति, क्योंकि जो माया से उत्पत्ति है वो निश्चय ही झूठी है। देवादिवत इंद्रजाल, जैसे इंद्रजाल की माया से जो आकाश में बाग बगीचे लगा दिए जाते हैं, झूठी वस्तुएं दिखा दी जाती है, वो तो निश्चय मिथ्या है। तो अर्जुन, ये संसार माया का कार्य होने से निश्चय ही झूठा है, सत्य नहीं है। तो आत्मा में ही ये मिथ्या जगत की प्रतीति होती है, उत्पत्ति स्थिति पर अचिंत्य रूप, और मन बुद्धि चित आदि इसका चिंतन नहीं कर सकते, क्योंकि माया के कार्य हैं। आत्मा ही मन बुद्धि चित्त के चिंतन को जानता है, और ये मन बुद्धि चित्त आदि आत्मा को नहीं जानते। अचिंत्य रूप आदित्य वर्णम तमसा परस्ता, परम प्रकाश रूप ज्ञान चैतन्य है, ये चैतन्य रूप ही प्रकाश है। तमसा परस्ता अज्ञान से अत्यंत परे है अर्जुन, ये हमारे तुम्हारे स्वरूप आत्मा ब्रह्म का है, इसलिए आत्मा में कभी बंधन है ही नहीं, नित्य मुक्त है, न कभी दुख है, न कभी मृत्यु है, न कभी अज्ञानता है, क्योंकि जीव कभी अपना अज्ञानता अनुभव नहीं करता, अपने को ज्ञान रूप ही अनुभव करता है। अरे दृष्टापना तो ज्ञान ही, छोटा बालक भी कहता है मैं देखता हूं, कोई भी जीव अज्ञानी नहीं। जीव न देखे तो न दिन है, न रात है, न जागर स्वप्न सुसुप्ति है, न स्त्री पुरुष। अरे मुझ दृष्टा से ही इनकी सबकी सिद्धि है। तो ये हमारा तुम्हारा अर्जुन स्वभाव सिद्ध स्वरूप है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।